विधायक व एसडीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशस्ति दी, कई योजनाओं का किया लोकार्पण। आपको बता दें कि खबर इस समय यूपी के रायबरेली जनपद से आ रही है, जहां जिले के सलोन तहसील में एक तरफ जहां ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के डी छतों व सलोन ब्लॉक की महिलाओं के को प्रशस्ति पत्र दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक दल बहादुर ने एक साथ कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रशस्ति पत्र पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे और बोली कि सरकार की मंशारूप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामग्रियों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित करने का कार्य हम लोगों ने पूरी निष्ठापूर्वक किया है, जिसे प्रसन्न होकर हम लोगों को आज प्रशस्ति पत्र दिया गया है और आगे भी पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। वही क्षेत्रीय विधायक दल बहादुर कोरी ने सलोन तहसील की तेज तरार उप जिलाधिकारी दिव्या ओझा सहित तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित भी किया। विधायक दल बहादुर ने बताया कि लगभग 9 कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें एक धर्मस्थल है बाबा गंगादास चिलिया का प्राचीन धार्मिक स्थल के विकास हित हमने मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया था, जिसको संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री ने 44 लाख कुछ रुपये स्वीकृत कर दिया है, जिसका अभी लोकार्पण किया गया है। वहीं एसडीएम दिव्या ओझा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 24 अप्रैल तक महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को सम्मानित करने हेतु अभी कई कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। इस मौके पर सीओ इंद्रपाल सिंह, तहसीलदार अजय कुमार, वीडियो रिचा सिंह सहित राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ब्लॉक मैनेजर ज्ञानेंद्र शर्मा, नमो नारायण मिश्रा सहित कई संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। मैम, क्या नाम है आपका? शोभा तिवारी। कहाँ के निवासी हैं आप? बारा के। यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था यही, आंगनबाड़ी की तरफ जो गाय राशन दिए हैं उसी के लिए वितरण जो करते हैं हम लोग समूह भाइयों को, अवसर मिला है उसी के लिए। माननीय हमारे जो विधायक जी हैं वो थोड़ा जानना चाहते थे कि किस प्रकार यहाँ बढ़ रहा है, कैसे अच्छा है कि गलत है। हम लोग को बहुत अच्छा खुशी मिली कि गरीब महिलाओं को हम लोग दे रहे हैं। क्या तो आप प्रशस्ति पत्र मिला है, कि आप इसको लेके क्या सोच रही हैं मन में? हम सोच रहे हैं कि हमको भी सम्मानित किया गया, हम आज इस काबिल हो गए हैं, है ना, इसलिए हम बहुत खुशी हैं। आगे आप बेहतर कार्य करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अरे हम इससे और अच्छा से अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ने का और भी सोचेंगे और काफी महिलाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। जी बता दीजिए, अभी एक प्रोग्राम यहाँ पर सम्पन्न हुआ है, क्या किसमें क्या थी जो है, किस लिए किया गया है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के लिए 4 सालों में कार्य किए हैं उनका ब्यौरा जो है जनता के सामने मीटिंगों के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से किया जा रहा है कि 4 साल में हमने इस प्रदेश को उठाने का क्या क्या काम किया। सड़क, पानी, बिजली, विद्यालय, नहर और गरीबों के लिए आवास, पानी की व्यवस्था, ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं जो जनता से जुड़े क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनमें क्या क्या निर्माण कार्य कराए गए, क्या निर्माण स्वीकृत है, क्या आगे होने वाले हैं, वो ब्यौरा समाज के सामने रखा गया। और उत्कृष्ट काम करने वाले हर विभाग के लोग, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उनको प्रोत्साहन पत्र दे के सम्मानित करने का काम किया। सर, अभी कितनी योजनाओं का लोकार्पण किया गया यहाँ पर? अभी जो है लगभग 9 के लिए किया गया है, जिसमें एक धर्मस्थल है बाबा गंगादास चिलिया, वो प्राचीन कुटी है, सत्य का स्थान है, वहाँ बहुत भीड़ लगती लोगों की, वो पर्यटन विभाग में आदरणीय मेरे पत्र के बाद योगी जी ने ले लिया, उसके लिए किस्त भी 44 लाख 71 हजार रुपए की जारी कर।